हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है टेक्सटिंग वर्सेस ईमेल तो आज का क्वेश्चन क्या है डिफरेंस बिटवीन टेक्सटिंग एंड ईमेल टेक्स्टिंग और ईमेल तो बात करते हैं पहला पॉइंट इट इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंजेस टेक्स्ट भाया मोबाइल डिवाइस यानी टेक्स्टिंग एक कम्युनिकेशन की मेथड है जहां पर सेंडर और रिसीवर मोबाइल डिवाइस के माध्यम से टेक्स्ट को आदान प्रदान कर सकता है और इट इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंजेस मैसेजेस ओवर इंटरनेट नेटवर्क और ईमेल भी एक कम्युनिकेशन की मेथड है जहाँ पर सेंडर और रिसीवर इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से मैसेज को आदान प्रदान कर सकता है उसके बाद अगला पॉइंट इट इज मेनली यूज फॉर पर्सनल चैट यानी टेक्सटिंग का मेनली पर्सनल चैट के रूप में यूज होता है और इट इज मेनली यूज फॉर प्रोफेशनल चैट और ईमेल को मेनली प्रोफेशनल चैट के रूप में उपयोग किया जाता है उसके बाद अगला पॉइंट टेक्स्टिंग इच प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दैट मीन्स इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू कम्युनिकेट यानी टेक्स्टिंग एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ता और ईमेल मेल इच प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एन ईमेल क्लाइंट एंड ए वेब इंटरफेस और ए मोबाइल एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट और ई एक ए डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें कम्युनिकेट करने के लिए एक ईमेल क्लाइंट एक वेब इंटरफेस और मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद अगला पॉइंट इट रिक्वायर्स सेलुलर नेटवर्क टू कम्युनिकेट यानी टेक्सटिंग पर कम्युनिकेट करने के लिए सेलुलर नेटवर्क यानी जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं उसकी केवल जरूरत पड़ती है और इट रिक्वायर्स स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन टू कम्युनिकेट और ईमेल में कम्युनिकेट करने के लिए हर समय इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है उसके बाद अगला पॉइंट इट डज नॉट रिक्वायर यूजर नेम एंड पासवर्ड यानी टेक्स्टिंग पर कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ता और इट रिक्वायर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड और ईमेल में यूजर नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद अगला पॉइंट इट कैन बी डन भाया मोबाइल फोन ओनली यानी टेक्सटिंग केबल मोबाइल फोन के माध्यम से किया जा सकता है और इट कैन बी डन भाया मोबाइल फोन्स कंप्यूटर्स इट सी और ई आप मोबाइल फोन अपने कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हो उसके बाद अगला पॉइंट इट इज एन अर्जेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यानी टेक्स्टिंग एक कम्युनिकेशन के अर्जेंट मेथड होता है और इट इज ए रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और ईमेल कम्युनिकेशन की एक रिलायबल मेथड होता है उसके बाद अगला पॉइंट टेक्स्टिंग इज लेस सिक्योर देन ईमेल यानी टेक्सटिंग ईमेल से कम सिक्योर होता है और ईमेल मेल इज मोर सिक्योर देन टेक्सटिंग और ईमेल मेल टेक्सटिंग से ज़्यादा सिक्योर होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट इट इज ए इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन यानी टेक्सटिंग कम्युनिकेशन के एक इनफॉर्मल मोड होता है और इट इज फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन और ईमेल कम्युनिकेशन की फॉर्मल मोड होता है तो ये था कुछ डिफरेंस बिटवीन टेक्सटिंग एंड ईमेल तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना